मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी बधाई हो। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ नए तरह के स्नैक्स, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। नॉर्मल आटा लगाना है, जैसे हम डो लगाते हैं वैसे ही मैदा से। इस तरह से मैंने एक पूड़ी बनाई थी, चारों तरफ से मैंने कट करके इसको चौकोर बना लिया था, बीच में मैंने 7 से 8 कट लगाए थे और हाथ की सहायता से इस तरह से दोनों तरफ से दबा देती हूँ। जो बीच वाली लेयर है उसके अंदर से हमें इसको निकालना है और इतना ध्यान से निकालना है कि लेयर जो टूटे नहीं। आटे में अच्छा मोइन लगाया था तो ये गरम तेल में हम निकालेंगे तो बहुत ही सुंदर इसका जो डिज़ाइन है वो बनेगा। इसी तरह से मैं आपको 4 से 5 और स्नैक्स बना के दिखाती हूँ। ये मैंने फिर एक पेड़ा लिया है, साइज़ छोटी या बड़ी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। इसको हमें जैसे गट्टा बनाते हैं ना वैसे बनाना है और फिर इस तरह से इसकी हमें डिज़ाइन बनानी है। ये यहाँ से खुला है, ऐसे चिपकेगा नहीं, तो यहाँ पे हम हल्का सा पानी का हाथ लगा देते हैं ताकि ये आराम से चिपक जाए। इधर से चिपक चुका है, अब ऊपर वाला थोड़ा हिस्सा खुला है तो यहाँ पे भी हम पानी का हाथ लगा के यहाँ पे भी अच्छे से चिपका देते हैं। दोनों तरह से चिपक चुका है, कितनी सुंदर डिज़ाइन आई है। अभी तो आप रुकिए, बहुत सुंदर लगेगा ये। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हल्का सा हम हाथ से इस तरह से कर देते हैं और इसको हल्का सा फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। अभी हमने लिए कैंची, कैंची की सहायता से हम यहाँ पे जो पहली वाली लेयर है उस पर कट लगा देते हैं। कट को हमें ध्यान से लगाना है, नीचे तक कट नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से हम जो बीच वाली लेयर है उस पर कट लगा देते हैं। आप एक बार ये बना के देखेंगे, इसकी अलग अलग जो पत्ती है वो अलग अलग खिल जाएगी। अभी मैं आपको कैमरे से जूम करके दिखाती हूँ कितना सुंदर बना है ये डिज़ाइन होती है। अगर आप शादी के बाद जो चोलिया देते हैं फर्स्ट वाला वो दे रहे हैं या बच्चों के लिए स्नैक्स बना रहे हैं तो आप इस तरह से बनाइए, बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। यहाँ पे मैं तीसरे तरह का स्नैक्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल पूड़ी बनाई है और फोक की सहायता से दोनों तरह से प्रेस करते हुए इस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना ली है। इसको फोल्ड कर देती हूँ, अंगुली की सहायता से यहाँ पे हमें प्रेस करना है, नहीं चिपका। अगर चिपक रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे पानी का हाथ लगा देंगे। पानी का हाथ लगा के दोबारा इस तरह से हम इसको चिपका देंगे। ये अच्छे से चिपक चुका है, इसका भी हम बहुत सुंदर से वो डिज़ाइन बनाएंगे। आगे पीछे से हाथ की सहायता से इस तरह से दबा देते हैं और इस तरह से एक बार हल्का सा फोल्ड करके इसको दबा देते हैं। इसकी जो डिज़ाइन है देखिए आप, कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है। फिर मैंने यहाँ पे एक पेड़ा लिया है, यहाँ पे पेड़े की साइज़ मैंने छोटी ली है, फोक को उल्टा कर लिया है, उसको हाथ की सहायता से दबा दिया है और फिर इसको हम फोल्ड कर लेते हैं तो फोक पे जो कटे है उसकी डिज़ाइन है वो इस पर आ गई स्नैक्स पे, बहुत ही सुंदर लगता है। इजी तरीका है, बच्चे तो बड़े चाव से खाएंगे। इस तरह से हम इसको आप हाथ की सहायता से इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। कितनी सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हुई है, सारे हमारे स्नैक्स है वो तैयार हो चुके हैं। तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है तेल, गैस की फ्लेम हमने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर ली है ताकि हमारे स्नैक्स है वो अंदर तक आराम से सिके। एक बार आप इसकी डिज़ाइन देखेंगे, बहुत ही सुंदर ये खिल के आया है। आप इस तरह से बनाइए, खाइए और मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।